नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 31। अ कस्टमर फॉरगेट्स अ फोर डिजिट कोड फॉर एटीएम इन अ बैंक। ठीक है जी, हम बनाते हैं ना पासकोड 1234 3279, तो वो फोर डिजिट कोड में कस्टमर भूल गए। हाउएवर ही रिमेंबर्स दैट कोड कंसिस्ट ऑफ 3569। बस उसको इतना याद है कि जो प्लेसमेंट है ना, जो प्लेसमेंट है वो है 3569 यूज करके। मतलब जो फोर डिजिट नंबर है मेरा बेटे, उनमें मेरे कौन कौन से लेटर्स यूज हो रहे हैं, 3, 5, 6 and 9। देन फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायल्स नेसेसरी टू ऑब्टेन द करेक्ट कोड। कहते कितने ट्रायल्स वो कर सकता है टू गेट द करेक्ट कोड, मैक्सिमम ट्रायल्स। तो मैक्सिमम ट्रायल्स का मतलब यहाँ पे है हाउ मेनी वेज आर पॉसिबल। नाउ टेल मी हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी फिल्ड, 4। अच्छा एक चीज सोचो, क्या इसमें कोई रेपिटेशन है? मैंने आपको कुछ टाइम पहले भी बताया कि जब आपको डायरेक्ट नंबर दे दिया जाए तो उनको क्या सोचो, उनको क्या सोचो कि ये ब्लॉक्स हैं, मुझे ब्लॉक एक बार ही यूज करना है। तो 333 रिपीट नहीं हो सकता, 5555 रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो 3569 हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी बिल्ट। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 5 फुट कर लिया, हाउ मेनी वेज दिस प्लेस कैन बी बिल्ट, 3, 2 और सो आंसर इज 4 × 3 × 2 × 1, सो आंसर इज 24 सच पासपोर्ट सी कैन जनरेट। अंडरस्टूड करिए।